को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा, भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहा। तो इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या हमने आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने बोर्ड से बचा लो। अगर बोर्ड से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं, हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उस पर भरोसा है ना? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार